एक बड़ा ही अनोखा वाक्य साफ तौर पर सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि महिला की बात करें तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसकी चार टांगे जो हैं बताई जा रही है। हालांकि बहुत सारे इस तरह के रेयर केसेस अनोखे देखने को मिलते हैं, पर इस मामले में बात करें तो ये एक वन ऑफ द रेयर केसेस माना जा रहा है डॉक्टर्स के हिसाब से, क्योंकि ट्विंस की बात करें तो ट्विंस के बड़े सारे केसेस जो है देखने को मिलते हैं, पर इस केस में बात करें तो बताया जा रहा है कि महिला ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है जिसकी चार टांगे बताई जा रही है, और जिसके बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जांच पड़ताल करने के लिए, और इसके बाद इसे जो है मेडिकल साइंस के तरीके से क्या कुछ कहा जाता है वो भी साफ तौर पर सामने आया। फिलहाल तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये वाक्य जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से सामने आया, जहां पर इस हॉस्पिटल की बात करें तो यहां पर एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी चार टांगे जो हैं वो बताई जा रही हैं, और जिसके बाद डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा सकते में थे ये किस तरह का केस है, और इस केस को स्टडी किया गया। बहुत सारी टीम जो है उस हॉस्पिटल में वहां पर पहुंची इस बच्ची को देखने के लिए कि आखिर ये किस तरह का केस जो है प्रेगनेंसी का सामने आया था, और डॉक्टर का ये साफ तौर पर कहना था कि हालांकि बहुत सारे ऐसे तरह के मामले सामने आते हैं प्रेगनेंसी केसेस में जहाँ ट्विंस जरूर देखे जाते हैं, और ट्विंस में बात करें तो दो बॉडीज विकसित होती है, पर इस मामले में इस तरह का मामला सामने है जहां पर ट्विंस हो सकते थे पर बॉडी जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, सिर्फ टांगे ही विकसित हो पाई, और जिस वजह से इस महिला ने एक ऐसी बच्ची को जन्म दिया जिसकी चार टांगे जो हैं वो जरूर जो है इसमें बताई जा रही हैं। और फिलहाल डॉक्टर का भी क्या कुछ ये कहना है मेरा तरीके ये, तो पर ऐसा ये हो रहा फिलहाल तस्वीरें आपको उसी हॉस्पिटल से दिखाना चाहेंगे जहां पर डॉक्टर्स जो है काफी ज्यादा खुश भी नजर आए, क्योंकि इस तरह ऑपरेट करना एक अनोखा केस जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग केस जो है साफ तौर पर सामने आया था, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर स्टडी भी की। डॉक्टर RKS की धाड़क की बात करें तो उनका आपको जो है बाइट भी सुनाएंगे क्या कुछ उनका कहना था, पर ये उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस केस पे स्टडी की, और जिस तरह से उनका कहना है ये एक वन ऑफ द रेयर केसेस जो है माना जाता है, वो रेयर केसेस ही होते हैं ऐसे जहां पर देखा जाता है। और इस महिला की बात करें तो आरती कुशवा जो है इस महिला का नाम बताया जा रहा है, और इस महिला की बात करें तो ये एक अजीब एक अनोखा बच्ची को जो है इसने जन्म दिया है, और बाद में विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर्स की बात करें तो अन्य डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंची। फिलहाल डॉक्टर का क्या कहना था इस पर वो भी मैं आपको साफ तौर पर ये बता। बच्ची हुई है किस तरह की, क्या है ये बच्ची जो चार पीर बताया जा रहा है? हाँ, ये मुझे पता लगा तो मैंने देखा है इसको। एक्चुअली ये जन्मजात विकृति होती है, इसको कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भ्रूण विकसित हो रहा है माँ के पेट में, उस समय एक से दो कोशिकाओं में बंटता है, तो कई बार दो बच्चे जिनको ट्विन प्रेगनेंसी बोलते हैं ट्विन हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि एक नीचे के हिस्से का जो पोर्शन है वो सिर्फ, उसमें से सिर्फ पैर डेवलप हुए हैं, कमर के नीचे ऊपर का हिस्सा नहीं डेवलप हुआ है। तो इसको इस्टियोपैगस बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। इसको हमारे चिकित्सकों ने देख लिया है, पीडियाटिक सर्जन पीडियाटिशियन सभी ने, और इसको सर्जरी के द्वारा इसके जो दो पैर हैं वो जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल के और बच्ची को बाद में पूरा स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और इसको कर देंगे। कितने केस में ऐसा होता है सर? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते, पर ये पर्टिकुलर जो केस है बहुत रेयर होते हैं। या तो ऊपर का धड़ जुड़ा होता है या पूरे ही ऊपर से नीचे तक का धड़ जुड़ा होता है। आपने देखा होगा किसी के सर जुड़े होते हैं, पूरे बच्चे डेवलप होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ऊपर का बच्चा तो गायब है, लेकिन सिर्फ पर ये एक बच्ची हुई है किस तरह की, क्या है ये बच्ची जो चार पीर बताया जा रहा है? तो आपने साफ तौर पर सुना कि डॉक्टर का क्या कुछ कहना था, जिस तरह उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बच्चे की बॉडी जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, और उसी वजह से इस तरह का अनोखा केस जो है ये साफ तौर पर देखने को मिला है। ये मेरा तरीके तो है सबसे। डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी, और इनफैक्ट की हॉस्पिटल के बाहर से भी टीम वहां पर ये जांच करने के लिए इस केस को स्टडी करने के लिए पहुंची थी, और डॉक्टर्स ने यही कहा कि आने वाले समय में इस बच्चे को ऑपरेट किया जाएगा ताकि इसकी दो टांगे जो हैं वो निकाल दी जाएंगी, और उसके बाद ताकि बच्चा आगे अपने फ्यूचर में जो है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो जी सके। और फिलहाल इसी तरह का मामला ये जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से जो है साफ तौर पर सामने आया, जहां पर आप ये विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, और इस केस को स्टडी करने के बाद इन लास्ट नतीजे पर जो है डॉक्टर्स पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बाद में जो है नॉर्मली इसे जो है ऑपरेट भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।